हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यस बैंक के एक बड़ी खबर के बारे में। इससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट तथा डिडेड अनाउंस, बोनस अनाउंस और फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में और आगे फ्रेंड्स बात करते हैं। देखिए, यस बैंक ने बचत खाते पर ब्याज दरों में कटौती की है। फ्रेंड्स, यस बैंक ने हाल ही में ही इसकी जो बचत खाता है ना उसमें ब्याज दरों में इसने कटौती का ऐलान किया है। यानी यह अब बचत खाते में जो सेविंग रखते हैं उस पर कम ब्याज देगा। इसके बारे में हम फ्रेंड्स बारीकी से अध्ययन करेंगे। देखिए, बचत खाते में शेष दैनिक शेष और 25 दिसंबर 2021 से लागू ब्याज दरें, यदि आपके बचत खाते में 1 लाख रुपये हैं तो आपको 4% ब्याज मिलेगा, ठीक है। और यदि आपके खाते में 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 4.50 साढ़े 4% का ब्याज मिलेगा। फ्रेंड्स, ये प्रतिवर्ष है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष ब्याज है। और यदि फ्रेंड्स आपके खाते में 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में से जमा शेष राशि है तो आपको 5% का ब्याज मिलेगा। और आपके खाते में 1 करोड़ से 100 करोड़ जमा शेष राशि है तो आपको 5.25 2.5% का ब्याज मिलेगा, मतलब 5% का आपको ब्याज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यस बैंक ने अपने ब्याज दरों में कटौती की है। और अब यह जो जमा शेष राशि रखेंगे बैंकों में, इस बैंक में, तो उस पर ब्याज में यह कटौती की है तो कम ब्याज मिलेगा आपको। और भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब आप कितना समय रखोगे, क्या कैसे क्या, उसके बारे में हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। देखिए, मतलब यदि फ्रेंड्स आपने यस बैंक में 2 करोड़ रुपए से कम राशि जमा करा रखी है तो उसके लिए 3 नवंबर 2021 से लागू दरें मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से लागू रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 6 महीने तक यह जमा राशि रखते हो तो आपको 5% मिलेगा। और ये किन को मिलेगा? नियमित ब्याज दर प्रतिवर्ष 5% मिलेगा। और वरिष्ठ नागरिक हैं, जो मतलब वृद्ध आदमी हैं, उनको 5.5% मिलेगा, ठीक है। और 9 महीने तक रखते हो आप तो आपको 5.25% मिलेगा ब्याज। और वरिष्ठ नागरिक को 5.75% का ब्याज मिलेगा। और आप अगर 1 साल तक रखते हो तो इसमें आपको मिलेगा 6% का ब्याज। और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उसको मिलेगा 6.25% का ब्याज। और अगर आप 12-15 महीने के लिए रखते हो तो आपको 6% का ब्याज मिलेगा। और वरिष्ठ नागरिकों को 6.5% का ब्याज मिलेगा। और 18 महीने के लिए भी यही ब्याज है, सेम टू सेम। ये देखिए फ्रेंड्स, और 21 महीने के लिए भी यही ब्याज है। तो फ्रेंड्स, ब्याज में इस प्रकार से कटौती की है। और अगर आप 2 साल तक रखते हो तो भी ब्याज सेम ही रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 6% 6.5%। और आप 27 महीने के लिए रखते हो तो भी यही ब्याज रहेगा। और अगर आप फ्रेंड्स इसमें 30 महीने के लिए रखते हो तो भी यही ब्याज मिलेगा। और 33 महीने के लिए भी यही है। और 36 महीने के लिए, अगर आप फ्रेंड्स 36 महीने यानी 3 साल तक रखते हो तो जो सामान्य नागरिक हैं उसको 6.25% का ब्याज मिलेगा। और वरिष्ठ नागरिक को 7% का ब्याज मिलेगा। और 5 से 10 साल के लिए आप रखते हो तो भी फ्रेंड्स यही ब्याज हैं। देखिए, सेम टू सेम ब्याज है। अगर 3 साल से ज़्यादा रखते हो आप तो आपको जो सामान्य नागरिक हैं उसको 6% का ब्याज मिलेगा प्रतिवर्ष, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उसको 7% का ब्याज मिलेगा। इस प्रकार से यस बैंक ने अपने जो सेविंग अकाउंट है उसमें जमा शेष राशि पर ब्याज दरें घटाई हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर दें तथा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। Thanks for watching.